हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। वेलकम बैक टू वीआर के फैमिली व्लॉग्स। तो बज गए शाम के 5 और हम लोग गए थे मार्केट में खरीदारी कर, मतलब शॉपिंग करने घर के भोजन सामग्री की, क्योंकि कल आज रांदल छत है और कल है शीतला सातम। तो मतलब आज सब कुछ तैयारी करना है खाना पीने का, क्योंकि कल पूरा दिन मतलब गैस चूल्हा बंद रहेगा, क्योंकि चूल्हे की पूजा होगी। साल में एक बार तो चूल्हे की भी तो पूजा होनी चाहिए कि नहीं फ्रेंड्स? तो चूल्हे की पूजा होगी, गैस की पूजा होगी और कल खाएंगे ठंडा खाना। तो सब तैयारियों में लग गए। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा आए हैं, मेथी, ककड़ी, बीट, कांदा, बटेटा, फणसी, क्योंकि फणसी का वाइट पुलाव बनाएंगे। दही लाए हैं, यहाँ है हमारी मैडम। वहाँ पे देखिए कढ़ाई में तो हम लोग ने, वहाँ आप देख सकते हैं, पापड़ हमने तल लिया था। और यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म चाय, और नाश्ते में आ गए हैं वड़ा पाव, और देखिए गाजर, टमाटर, टमाटर ये फ्रेंड्स 20 रुपया किलो, टमाटर नहीं 30 रुपया किलो टमाटर, तो आधा प्राइस कितने कम हो गए। हाँ, किधर मतलब 200 रुपया था, अभी 30 रुपया किलो, वो भी इतने फ्रेश। क्या क्या बनाने वाले हो मैडम, जरा बोल दो आप। थेपला बनाएंगे, फिर अभी तो वो हमें वो नहीं मिला फ्रेंड्स, मूंग और हाँ मतलब स्प्राउटेड मूंग और मोट। अभी हम लोग अभी रह जाए ना तो सब दुकानें अभी तक तो बंद है। हाँ, तो वो अभी तो वो खुलेगा 6 बजे, तो ये जाके लेके आएंगे, तो वो सब बनाएंगे। व्हाइट बिरयानी बनाएंगे, कड़ी बनानी है तो देखेंगे कड़ी बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे ना वो आपको बाद में दिखा देंगे क्या क्या बनाया बनाते हैं, क्योंकि व्हाइट बिरयानी, थेपला। मैंने तो इनको सब बोला कि वो चकली, शंकरपारा, फिर वो खारे बिस्किट बना दे, तो ये बोले कि क्यों टाइम वेस्ट करने का, क्यों तेल खराब करने का, तेल खराब करने का नहीं, तेल का मैं नहीं बोला, टाइम वेस्ट होगा मतलब अपने को पूरा मतलब क्लीन भी करना है, ये जो गैस वगैरह है सब प्रिपेरेशन, सब खाना वगैरह सब बना के अपने को वो क्लीन भी करना है, तो हो जाता समझे फटाफट। कुछ नहीं, अभी मतलब बज गए 5, फिर वो करते करते, क्योंकि वो शाम रात को तो उसकी पूजा करनी पड़ती है, रांदल माता आती है हमारे घर में, उधर हम रखेंगे शीतला माता शीतला सातम है, सब माता जी आने दो हमारे घर में, सब माता जी को आने दो, आओ आओ माता जी, द्वार खुला है हमारे घर में, आओ पधारो। तो वैसे तो वेफर तो उधर बन गए, मजा आएगा, चकली, वेफर, घुंगड़ा, वो है ना वो चकली साबूदाने की, हाँ तो फिर उस दिन पैकेट लाए थे तो वो सब पूरा तल दिया है, फिर 2 दिन दबा के खाने का और मजा आ जाएगा। तो चलो लग जाते हैं तैयारी में, फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो देखिए मित्रों, जोरों शोरों से सातम आठम की तैयारी चालू है यहाँ पे, एकदम एक आध किलो जितना तो आटा गूंद लिया है थेपले के लिए, मतलब 2 दिन तो खाते ही जाओ दवा भर भर के थेपला। और देखिए यहाँ हमारी मैडम हंस रही है, क्योंकि फिर कल कुछ बनाएंगे ना फ्रेंड, नहीं बनाएंगे ना तो कल इतनी भूख लगती है, एक साल ऐसे ही हमने कुछ बनाया, लास्ट ईयर ऐसा ही कुछ बनाया था नहीं, हाँ तो इतनी भूख लगी थी ना, तब से समझ लिया कि बना के रख देने का, खाना है तो खाओ या ना खाओ, पर वो क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में ना, सेफ्टी इज बेटर देन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मतलब तैयारी पहले से कर ही लेनी चाहिए, क्या मालूम नहीं मैं भी क्या बोल गया। ये बनाने में मजा भी आता है, मतलब अच्छा लगता है। देखिए पापड़ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए हाँ बटेटा की सल्ली है, वहाँ पे देखिए डब्बा भर के चकली, ऊपर चिवड़ा, पोंगा, भूंगड़ा, जो बोलना है बोल दो, एकदम टकाटक तैयारी है, वो तो मुखवास का लगा है। और यहाँ पे थेपले की तैयारी, 1 आध किलो आटा गूंद दिया है, मतलब कम से कम 1 किलो में 50 तो आराम से थेपले हो ही जाएंगे। और देखिए मैं यहाँ पे देखिए मटर मतलब वटाना छील लिया मैंने, अभी फंसी में काट रहा हूँ, क्योंकि शाम को फंसी बनेगी और हमारा राजकुमार अभी आएगा, अभी भूखा भूखा तो वो भी खा लेगा कुछ, बराबर। तो अभी मैं फटाफट थेपला बना लेती हूँ अभी, तो चलिए मिलते हैं आपको बाद में। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे देखिए पूजा की तैयारी हो रही है,
यहाँ पे देखिए दिए बने गए हैं, क्योंकि हमारा खाना बन के रेडी हो गया, घर भी साफ सफाई हो गया, कुछ वीडियो ही नहीं निकाले क्योंकि ये गए थे बाहर। हाँ मैं बाहर गया था, तो फिर मैं तो अकेली थी, खाना क्या बनाया था वो वीडियो नहीं बन पाया, वो आपको कल दिखाएंगे। हाँ और अभी क्या, अभी गैस भी मैंने अच्छी, अभी देखिए वहाँ पे मैं पूजा का मतलब ये सब लेके आया, वो श्रृंगार वगैरह हार फूल, गैस भी एकदम क्लीन हो गया है। तो अभी और यहाँ पे देखिए हमारी मैडम पूजा की तैयारी में लग गई है। मुझे जाना है 5 बजे मंदिर में जाऊंगी शीतला माता की पूजा करने के लिए, तो वहाँ की थाली देखिए, पूजा की थाली रेडी कर देती हूँ। यह कल जाना है ना मंदिर, ये में है माता जी का श्रृंगार, श्रृंगार है इसमें नारियल, ये देखिए हम कल सुबह इसे चाणक्य चाणक्य चाणकी बोलते हैं इसके, इसको कल सुबह पूजा पूजा करके उसमें ये जो दिए बनाए हैं वो प्रगटाएंगे। गुड़ थोड़ा गुड़ है, गुड़ और घी मतलब मीठा दिया वो सब कर देंगे। अभी मैं वो बना रही हूँ, वो आता है ना कंकू का, भगवान भगवान के तोरण, हार और हार और तोरण, मतलब ये कापूस का ही बनता है भगवान का हार तोरण सब कुछ। देखिए कैसे बनाएगी, देखिए ये भगवान का हार बन रहा है, मतलब इस तरह से इतने मुझे 4 हार बनाने हैं, 4 गात्री बनानी है। एक हार दिखा देती हूँ आपको, हम लोग ऐसे बनाते हैं, और गात्री भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। ये भगवान के मतलब इस तरह से मतलब हार बनते हैं। जैसे आते हैं ऐसे बनाते हो? नहीं सही बना रहे हो आप, ऐसे भगवान के ये, हाँ ये ऐसे ही बनते हैं, ऐसे 4 बनेंगे। हाँ ये छोटा बना आया क्योंकि मुझे छोटा एक चाहिए, दूसरा बड़ा बड़ा बनाऊंगी। और कात्री देखिए ऐसे कापूस को ऐसे मतलब गोल गोल घुमाएंगे, हाँ, पूरा गोल घुमाएंगे, कैसे गोल शेप में करेंगे। हाँ गोल शेप में, छोटी बड़ी जैसे हम बनाने हैं, मैं बनाती हूँ। इसमें ऐसे देखिए ऐसे चांदला करेंगे, मतलब ये माता जी की चुनरी बन रही है खात्री। इसमें कुछ व्हाइट व्हाइट वाला भी लगाते हैं ना? हाँ इसमें वो चूना रहता है, चूना या कुछ, पर वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह से ये बन रही है, इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देते हैं। पंखा चल रहा है इसलिए उड़ गया, मैं फटाफट ये रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं पूजा, पूजा गैस की पूजा। फिर 2 दिन ठंडा ही खाना है, 1 दिन कल का। हाँ वही तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शीतला माता की पूजा हो गई है शुरू। गैस पे चावल का स्वस्तिक बना दिया गया है, ये रहे हमारी मैडम माता जी की पूजा करते हुए। बराबर लग रहा है? परफेक्ट एकदम बराबर छे, परफेक्ट छे साथियों। तो यहाँ पे देखिए पान, पान ऐसे के ऐसे मैं भूल जाती हूँ हर साल, पान ऐसे डांडी, हाँ खड़ा रहता है ऐसे ना, हाँ पक्का ना, पक्का मैं भूल जाती हूँ बार बार, नहीं तो ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे ही रहता है, नहीं ये पॉइंट यहाँ पे रहता है। अच्छा हाँ, तो देखिए पान भी रख दिया, तो स्वस्तिक बनाया उसके ऊपर पान रख दिया। और यहाँ पे देखिए ये गुलदस्ता, मैंने एक एक बर्नर पे ये गुलदस्ता, और ये है आम का पौधा, ये रखना पड़ता जो है गुठली गुठली वाला पौधा रहता है ना वो है, ये मेन चीज ये है गुठली वाला पौधा, उसकी पूजा की जाती है। तो
अभी रख दे दो एक पैसा का सिक्का, मतलब एक रुपए का सिक्का, और उसपे सोपारी पूजेगी, इसको रख देते हैं गैस के नीचे, नीचे कल सुबह, हाँ कल सुबह काम आएगा ये। अभी उस सोपारी पे चांदला और चोखा वधरामणी नती करवानी, हाँ अभी सब मतलब अबिल गुलाल कंकु का मतलब छिड़काव होगा, और ये पूजा 11 बजे ही हो की जाती है, जब भी टाइम मिले मतलब रात को फ्री हो जाए तभी कर लेने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हार भी पहना दिया है शीतला माता को, और ये देखिए वस्त्र गात्री, ये है गात्री वस्त्र, ये जरूरी है, ये है ओरिजिनल माता जी का श्रृंगार, और ये है हार, हार माता जी का। से नीचे रख दो ऐसे, हाँ रख दो, हाँ नीचे नहीं, वो चलेगा, वो चलेगा, वो ऊपर रख दो, हाँ वो चलेगा, दोनों सेम करना चाहिए, ऐसा है क्या, चलो जैसी आपकी इच्छा। वो पूरी रखना, देखो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, देखिए आधा अधूरा काम हमारी मैडम का, माता जी को प्रसादी तो रखी ही नहीं है, देखिए अभी नहीं, कुछ भूल चुक हो गए, भूल चुक माफ, जय शीतला माता। होगी पूजा, जय शीतला माता, शीतला सतम माता, बरकत आप जो माता जी। तो यहाँ पे माता जी की आरती वगैरह हो गई, पूजा वगैरह, अभी चोखा वधारेंगे, बोलो शीतला मातानी जय। तो फ्रेंड्स 11 बज गए और पूजा भी अच्छी तरह से हो गई है, तो देखिए अभी लाइट बाइट बंद करके हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि रात को आती है हमारे घर पे शीतला माता, रात को आएगी शीतला माता खाना खाने के लिए। तो चलिए आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगे जो रांदल छत का, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।